एक आय कविता जो है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। इस कविता में कवि ने आकाश में बादलों के घिर जाने की तुलना अतिथि से की है। इस कविता में मेघ सज धज कर शहरी अतिथि की भांति आते हैं, यह कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से बतलाया है। इस कविता में बादलों का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी कि मानवीयकरण किया गया है। ग्रामीण संस्कृति में अतिथि के आने पर जो उल्लास दिखाई देता है, वही उल्लास मेघ रूपी बादल के आने पर दिखाया जाता है। गांव के लोग वर्ष भर बादलों के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उल्लास से उनका स्वागत करते हैं। लंबे समय के बाद बादल के आने पर उससे शिकायत भी करते हैं। कवि का परिचय दे देती हूँ। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बस्ती जिले तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दीन मान के उप संपादक और बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रहे हैं। इन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया, वह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध और बाल साहित्य की रचना भी की। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। बात करते हैं काव्यांश के भावार्थ की। पहला काव्यांश मैं आपको बता रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगीं गली गली, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर की मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों की तुलना शहरी अतिथि यानी मेहमान से की है। जिस प्रकार से अतिथि सज धज कर आते हैं, उसी प्रकार बादल भी अलग अलग रंग रूप में सज धज कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से लोग अतिथि के आने पर खुश दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बादल के आने पर भी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ श्रृंगार रूप में हवा भी साथ आ रही है, जिससे घरों के खिड़की और दरवाजे खुल गए हैं। जैसे सभी लोग घर में आए अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हों। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु में काले बादल घिर कर आए हैं, हवा भी चलने लगी है और लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं और सभी लोग बादल के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। बादल आ गए जानकर पेड़ भी कभी झुककर कभी ऊपर की तरफ उचक कर
देखने का प्रयास करते हैं। तेज हवा से वृक्ष झुक जाते हैं और कभी तेज हवा के झोंके डालियों को ऊपर उठा देते हैं। धीरे धीरे मंद हवा आंधी का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे ग्रामीण स्त्रियां अपना घाघरा संभाले घर की ओर भागी जा रही हूँ। नदी तिरछी नज़रों से देखती हुई ठिठक जाती है, जैसे कोई गांव की स्त्री तिरछी नज़र से मेहमान को देखती है, जिससे उसका घूंघट सरक जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेघ आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। हवा के कारण पेड़ नीचे को झुक गए हैं। धूल भरी आंधी चल पड़ी है। ऐसे समय में नदी का मोड़ बड़ा ही सुहावना लग रहा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता औट हो किवार की। हसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़ बनठन के संवर के। पहले इसका अनुवाद बता देती हूँ, भावार्थ बता देती हूँ। इन चार पंक्तियों में शुरू की जो है उसमें कवि कहता है कि तेज हवा और बादलों के आने पर मनुष्य ही नहीं पेड़ पौधे भी उनका झूम झूम कर स्वागत करते हैं। हवा और बारिश के वेग से पीपल का बूढ़ा पेड़ भी, जो बहुत बड़ा है, विशालकाय है, ऐसा लग रहा है कि झूम रहा है, यानी झूमता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो वह झुक कर नमस्कार करते हुए मेहमान रूपी बादलों को कह रहा है कि आपका स्वागत है। नायिका रूपी लता बादल रूपी मेहमान का शर्माते लजाते हुए दरवाजे के पीछे से छिपकर स्वागत करती है और उनसे कह रही है कि आपने हमें एक साल बाद याद किया है। लता फिर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगी। गांव के तालाब मेघों के आने की खुशी में चमकने लगते हैं, मानो वे परात में पानी भरकर लाए हों और मेहमान रूपी बादलों का स्वागत कर रहे हों उनके पांव धोकर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इन चार पंक्तियों में कवि ने बादल और बिजली के बीच में एक अटूट रिश्ता बताया है। कवि कहता है कि आकाश में बादल छा जाने से अंधकार हो जाता है, जिस प्रकार मेहमान को ऊंचा स्थान दिया जाता है उसी प्रकार दूर क्षितिज पर बादल छा जाते हैं और बिजली के चमकने से तन मन खुशी से भर उठता है। साथ ही भ्रम की गांठें भी खुल गई कि अब मेघ रूपी प्रियतम नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर बादलों के सब्र का बांध टूट गया और वर्षा रूपी आंसू बूंदों के रूप में निकल पड़े। आकाश में दूर तक बादलों का जमघट लगा है, अब वे बरस रहे हैं। इस प्रकार बादल सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। आशय यह है कि आकाश में दूर दूर तक बादल छाए हुए हैं और अब लगातार बारिश हो गई है।